तो ऐसा है कि अभी तक मैंने मरीना मॉल नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर जाना है। तो हम उतर गए ट्रेन से अभी। वैसे इस जगह को आपने थोड़ा सा पहले भी देखा हुआ है। तो अगर हम मरीना मॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है इन्होंने, डिफरेंट बनाया हुआ है। माशाल्लाह, वी वेलकम टू दुबई। और यहाँ पर दूसरी साइड में इसके इन दुबई है। क्या है कि इतनी हाइट से मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं की, जितने भी अभी तक व्लॉग बनाया ऑलमोस्ट 82 वीडियोस ऑलमोस्ट मेरी चली गई अपने चैनल पर। तो पहली मरतबा मरीना मॉल में आने के लिए चुम्बेश्वरी बात है ये, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि यहाँ पर मुझे ऐसा व्यूज़ भी ऐसे व्यूज़ भी मिले। मरीना मॉल है और अभी मैंने ऑर्डर करवाया है KFC से बेहतरीन सा स्नैक्स बॉक्स। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन भी बहुत कमाल होने जा रहा है। आज हम स्पेशली अपने घर से सीधा मरीना मॉल जा रहे हैं और मरीना मॉल से पहले यहाँ का व्यू आप चेक करें, माशाल्लाह। तो ऐसा है कि अभी तक मैंने मरीना मॉल नहीं देखा, मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर जाना है। मैं वहाँ पर इन दुबई भी जा चुका हूँ, उसके अलावा मैं वहाँ पर दूसरी जगह को भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट मरीना मॉल जो है वो एक सेपरेट जगह है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए पहले तो हमें यहाँ से एक बस पकड़नी पड़ेगी जो कि हमें लेके जाएगी सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे मरीना मॉल। तो यहाँ पर हमें थोड़ा अभी बस का वेट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बस दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये थोड़ी हाई लेवल की बस होती है। इसके बाद आगे थोड़ी बसेस आएंगी और उनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। الموقف التالي محطة حافلات مترو المركز التجاري next stop is 12 cm bus stop। तो ऐसा है कि हमने दुबई के किसी भी कोने में अगर जाना है तो मैं हमेशा यहाँ से बैठता हूँ। ये आप देख सकते हैं शेख जायद रोड है ये, और ये है मेन ट्रेन का स्टॉप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जाने के लिए वहाँ पर और आने के लिए आगे है एमिरेट्स टावर। मैं आपको एमिरेट्स टावर दिखाता हूँ। ये जो दो बड़े टावर्स हैं इसको कहते हैं एमिरेट्स टावर। तो इसके नज़दीक से हमें जाना पड़ता है और ये काफ़ी कमाल की जगह है अगर हम कभी जाएंगे इंशाल्लाह अंदर। बाकी ये है कि हम अभी ट्रेन पकड़ते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो 6 o'clock शाम के हो गए, बट फिर भी जो है ना यहाँ पर शाम तो अभी दोपहर ही लग रही है, तो इतनी गर्मी है। तो अभी जाते हैं हम जाके तो ट्रेन पकड़ते हैं। हम उतर गए ट्रेन से अभी। वैसे इस जगह को आपने थोड़ा सा पहले भी देखा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि ये अभी थोड़ा आपके लिए डिफरेंट लगेगा क्योंकि आसपास थोड़ा धुआं कुछ फोग सा शो कर रहा है गर्मी की वजह से। तो अभी हम मरीना मॉल इस तरफ पहले आए नहीं, लेकिन हम गए थे इन दुबई, तो ये जगह इन दुबई के लिए स्पेशल थी। तो ऐसा है कि ये सारी बिल्डिंग्स आप पहले से ही देख चुके होंगे। मेरी पहली एक वीडियो है जिसमें मैं इन दुबई में आया हूँ, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनके बारे में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखें और उसको इंजॉय करें। और मरीना मॉल भी इसी तरफ है, थोड़ी दूर आगे करके, तो हम वहाँ पर अभी इंजॉय करेंगे। ये रहा मरीना मॉल। अभी एंट्रेंस के बाद अंदर जाके हम इसको विज़िट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हम मरीना मॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है इन्होंने, डिफरेंट बनाया हुआ है और जो कि देखने में भी खूबसूरत है। और अभी हम अंदर से जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं। यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितनी जल्दी हो सके हमें इसके अंदर जाना चाहिए और अंदर से जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये रही मॉल की एंट्रेंस। ठंडी ठंडी हवा आ रही है भैया। ओ माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी कम टू दुबई। तो ये एंट्रेंस के साथ में ही इन्होंने एक राउंड सा बनाया हुआ है ऊपर जाके, तो हम आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनली लोग हैं जिसकी वजह से आपको हर तरह के लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। बाकी ये शिट रूफ टॉप बहुत कमाल का है। तो अभी हम आगे जाते हैं और आगे जाके और भी एक्सप्लोर करते हैं।
ऐसा है कि ये मरीना मॉल एक सेपरेट ही दुनिया लग रही है। यहाँ पर आप देखें तो मैं कहता हूँ क्या कमाल के नज़ारे हैं यार, क्या कमाल है। ये देखें, एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही इनका जो है ना एक डिफरेंट व्यू दिखा रहा है, एक डिफरेंट यहाँ पर एक वाइब नज़र आ रही है। तो ऐसा है कि जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसका मरीना मॉल का फूड कोर्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड सबसे जो मेन चीज़ है, हबीबी कम टू दुबई, पुल एक पुल, अयो खुश हो गया मेरे। तो माशाल्लाह बीबी कम टू दुबई, ये देखो यार एक अलग ही व्यू मरीना मॉल। कौन कहता था ये मरीना मॉल अच्छी जगह नहीं है यार, बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या कुछ नहीं है यार। अब यहाँ पर खड़े हो के कैसा है ना एंजॉय, मैं आपको यो इधर से नज़र नहीं आना। तो ऐसा है कि यहाँ पर खड़े हो के आपको क्या कुछ व्यूज़ नहीं नज़र आते। और सबसे मेन चीज़ है जहाँ पर मेरा मोबाइल है ना इस वक्त थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, यह कि यार क्या ही व्यू है यार, शिट शिट। और यहाँ पर दूसरी साइड में इसके एन दुबई है, एन दुबई को आपने इन्जॉय करना है तो वो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अभी तक जितनी जगह मैंने एक्सप्लोर किया है उनमें से सबसे कमाल की जगह मुझे ये लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर ऊपर बिल्डिंग में आके आपको इन्जॉय करने के लिए सेपरेट जगह दी गई है जो कि बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर आप बैठ के तो लोगों को इन्जॉय कर सकते हो। और शिट हबीबी, वल्लाह 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 हबीबी कम टू दुबई, आई लव दिस। ऐसा है कि मैं अभी तक किसी भी बिल्डिंग में ऐसी इतनी हाइट पर नहीं गया। तो सबसे मेन चीज़, सबसे पहली जो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है वो ये है कि मैं इतनी हाइट तक पहुंच गया। और क्या है कि इतनी हाइट से मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं की, जितने भी अभी तक व्लॉग बनाया ऑलमोस्ट 82 वीडियोस ऑलमोस्ट मेरी चली गई अपने चैनल पर, बट इतनी हाइट से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो दुबई मरीना मॉल का सबसे मेन जो मेरे लिए पर्पज़ था ना, जो मतलब एक सेपरेट खुशी हुई है मुझे इसके लिए, वो ये है कि मैं यहाँ पर आके एक डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं और क्या कुछ नहीं है। देखें आप, ये आप चेक करें, पिक्चर पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। और मैं क्या कहूँ, अयो मैं क्यों नहीं पहले आया यार, इधर आना चाहिए मुझे, ये बहुत कमाल की जगह है, सीरियसली बहुत कमाल की जगह है। फ़िलहाल के लिए आपने अगर यहाँ पर, बाकी ये है कि थोड़ी गर्मी लग रही है, यहाँ पर एसी वगैरह का कुछ है नहीं, कोई ठंडा सिस्टम करने के लिए नहीं है। बाकी आपने अगर इन्जॉय करना है, अच्छा बेहतरीन व्यू देखना है, तो ये सबसे कमाल की जगह है। फ़िलहाल के लिए मुझे सबसे कमाल की जगह ये लगी है। वो सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इस ब्रिज से हम दूसरी तरफ जाएंगे तो हमें सामने एन दुबई नज़र आएगा। तो एन दुबई आपको ऑलरेडी पता है जो जॉइंट व्हील है वो है, और बहुत ही कमाल का है। आई लव दैट एरिया ऑल्सो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी मेरी एन दुबई की, तो वो भी जाके देखें, आपको इन्जॉय होगा। और दुबई मरीना मॉल ये सबसे कमाल की जगह, आई लव दिस मॉल। तो पहली मरतबा मरीना मॉल में आने के लिए चुम्बेश्वरी बात है ये, क्योंकि मैं मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि यहाँ पर मुझे ऐसा व्यूज़ भी, ऐसे व्यूज़ भी मिलेंगे। तो यहाँ और आप डिफरेंट तरह के लोग हैं यहाँ पर, आप देखें क्या माशाल्लाह। तो जगह अच्छी है और यहाँ पर आप बहुत अच्छा व्यूज़, अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं। तो अभी ऐसा है, थोड़ी थोड़ी देर तक यहाँ पर शाम होनी शुरू हो जानी है, रात होनी शुरू हो जानी है, तो ये सारे व्यूज़ और डिफरेंट हो जाएंगे। तो मेरा मूड है कि बाद में थोड़ी देर तक वापस आऊँ और यहाँ पर आके जब रात का टाइम हो तब का थोड़ा व्यू एक्सप्लोर करूँ। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर व्यू देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अभी ये है कि ये है अभी फूड कोर्ट के बाहर, तो आप फूड कोर्ट फूड इन्जॉय कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर आप ये व्यू इन्जॉय कर सकते हैं जो कि मैं बार बार दिखाऊँगा अभी, तो भी बहुत ही कमाल करेगा। और यहाँ पर बिल्डिंग्स ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ी हुई पड़ी हैं।
तो बहुत ही कमाल की जगह है। अभी हम अंदर चलते हैं, जा कुछ खाना पीना करते हैं यार। यो ये देखें, बाहर बैठने के लिए भी जगह है, आप बाहर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये है जगह, आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का। ये मरीना मॉल है और अभी मैंने ऑर्डर करवाया है KFC से बेहतरीन सा स्नैक्स बॉक्स, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ऐसे 15 का मिला, जिसमें दो चिकन पीसीज हैं और सम उसके साथ मिल जाती हैं फिंगर फ्राइज़ और उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ एंड उसके अलावा एक स्प्राइट ले ली, जो 16 दिरहम में आ गई। बट ये ओके है, इंजॉय कर सकता हूँ मैं और काफ़ी अच्छा है ये। अभी हम इसको खाएंगे पिएंगे और इसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो ऐसा है कि फाइनली हमने खा लिया खाना, अभी हम आगे चलते हैं नीचे। तो ऐसा है कि ये है मिस्टर शहनशाह, माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो इसके बाद अभी ऐसा है कि हम बाहर जाते हैं थोड़ा बाहर चलने फिरने के लिए, वहाँ पर दूसरी तरफ। इस तरफ आप देख सकते हैं ये बालकनी, पहले अभी हम यहाँ पर आ गए थे, तो अभी हम इसका दूसरा नाइट में, माशाल्लाह हबीबी। तो ये है नाइट का व्यू मरीना मॉल के बाहर की तरफ, जो बालकनी बनी हुई है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। थोड़ी देर पहले ही आप अगर देखते, यहाँ पर दिन था, अभी ये नाइट की तरह नाइट में है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये। और अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं बाहर की तरफ और भी व्यूज़ देखने के लिए। तो ऐसा है, खाना खाने के बाद हम अभी बाकी जगह को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमें और देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर हर तरह के स्टोर्स हैं, हर तरह का, समझ रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, जाके बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये मोस्टली समंदर के नज़दीक है, इस वजह से आपको इस तरह की शॉप्स बहुत सारी मिलेंगी, और जो कपड़ों की होंगी बट छोटे कपड़ों की, देख सकते हैं ना आप सामने भी, हर तरफ मोस्टली ऐसे ही है। तो इस तरह की शॉप्स आपको इस मॉल में ज़्यादा मिलेंगी। तो बाकी हम अभी नीचे जाते हैं और नीचे जा के दूसरी जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है नीचे जाने की साइट। बहुत ही कमाल की जगह है ये, सीरियसली बहुत ही कमाल की जगह है। हम वैसे आगे पीछे जाते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हम सिंगल हैं तो इस वजह से ये हमारे काम के नहीं, वो हम आगे जाते हैं। तो ऐसा है कि इस मॉल की सबसे जो मेन बात है ना, वो है कि इन दुबई के पास है, बीच के पास है, मरीना बीच के पास है, इसलिए ये उस लिहाज से बड़ा नहीं है जिस लिहाज से एमिरेट्स मॉल है, या जिस लिहाज से आपको दूसरा दुबई दी दुबई मॉल, अभी तो दुबई मॉल का नाम भी चेंज हो गया है, तो अभी दुबई मॉल का नाम भी दी दुबई मॉल हो गया है। तो ऐसा है कि ये उनके जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जितना भी है ये मोस्टली किन चीज़ों को प्रोवाइड करता है, जो कि बीच के ऊपर या कुछ लग्जरी सिस्टम को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। तो ऐसा है कि मरीना मॉल की जो सबसे मेन और ख़ासियत थी ना, वो ये है कि ये इसके पास है बालकनी। बालकनी मतलब हाइट के ऊपर थोड़ा बालकनी आपको मिल जाती है, और बहुत ही कमाल के व्यूज़ वहाँ से आपको डे एंड नाइट में शो होते हैं। तो मोस्टली यही था, जितना भी मॉल का एक्सप्लोरेशन था वो यही था। इसके अलावा ये है कि और इतना बहुत ज़्यादा नहीं है इसको देखने के लिए। तो आज का दिन मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। मरीना मॉल इतना बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, देखने के लिए इनाफ है। तो आज का दिन यहीं तक ही था। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी करें, और इस तरह की वीडियोज़ और देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तो गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।